नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों से चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर मंगलवार को भारत का दौरा किया और चीन के खिलाफ भारत को खुलकर समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री दौरे में भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता भी हुआ, जिससे दोनों देश के बीच रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी। अब इस मामले पर चीन काफी नाराज है, चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। चीन बोल रहा है कि चीन भड़क गया है और चीन लगातार कह रहा है कि भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जो पहुंची है अमेरिका, वो दोनों देश के बीच वो देशों को भड़का रही है, वो भारत को भड़काने का काम कर रही है। चीन के मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की मीडिया ने साफ तौर से कहा है, उसके मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो रक्षा मंत्री एस्पर ने गलवान घाटी के शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि दी तो तमाम भारतीय अभिभूत हो उठे। मतलब वो मजाक उड़ाना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा है कि चीन कहना चाह रहा है साफ तौर से, ग्लोबल टाइम्स उसने बोला कि अमेरिका के विदेश मंत्री जब भारत में आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी तो भारत उससे खुश हो गए। अब भारत खुश क्यों ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो मैत्री संबंध स्थापित हो रहा है, भारत विश्व पटल पे जिस तरीके से अपना सम्मान स्थापित कर रहा है, चीन को दर्द हो रहा है, चीन परेशान है, चीन को डर है कि कहीं भारत और अमेरिका मिलके उसे उसकी बढ़ती हुई स्थिति को रोक न दे। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन जो कब्जे करने का जो एक उसका अभियान है, जो विदेशी भूमि को विदेशी सरहद को लगातार चीन कब्जे में लेना चाहता है, उसके इस बुरी नीति को, उसके इस गंदी चाल को भारत और अमेरिका मिलकर रोक सकते हैं, इसलिए चीन काफी परेशान है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से चीन ने भारत और अमेरिका के मैत्री संबंधों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो आपको बता दें कि मंगलवार को पोम्पियो और मार्क्स एस्पर के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। पोम्पियो ने इस बैठक के बाद कहा था कि संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमले की स्थिति में अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका खुल के अब भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको चीन की विस्तारवादी नीतियों का अंदाजा लग गया है और उसको पता है कि चीन बाज नहीं आएगा अपनी चालबाजी से। इसलिए अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि संप्रभुता और स्वतंत्रता पर हमले की स्थिति में अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है। पोम्पियो ने कहा था कि चीन को लोकतंत्र, कानून, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और क्षेत्र की स्थिरता से कोई लेना देना नहीं है। चीन को संप्रभुता, किसी भी देश की जो संप्रभुता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चीन पारदर्शिता नहीं चाहता है, वो लगातार बोलने को कुछ, उसका मुंह बोलने को कुछ और है और करने का कुछ और है, वो करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और क्षेत्र की स्थिरता से कोई लेना देना नहीं है। वो जो लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, अब तक में चीन लगभग 48% चीन की जो आबादी थी पहले, उसका लगभग 2 गुना वो बढ़ चुका है, उसका क्षेत्र बढ़ चुका है, क्योंकि वो विदेशी सरहदों में हस्तक्षेप किया और विदेशों की जमीन को कब्जे में लिया है। खुद भारत का खुद उसने जमीन लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर उसने जमीन हड़प लिया है। और ये लद्दाख में लगातार विवाद चल ही रहे हैं और ये कश्मीर में भी वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके विवाद चल रहा है। और अब डोकलाम जो कि आप सबको पता है कि लगातार विवादों में रहा है, और डोकलाम में किस तरीके से चीन ने जबरदस्ती की और हमारे सैनिकों को से भिड़ंत किया, सैनिकों से लड़ा, और इस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने उसके सैनिकों को हार का सामना, उसको हराया, तो चीन उससे काफी परेशान है। लेकिन चीन की विस्तारवादी जो सोच है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है।
चीन लगातार बौखलाया हुआ है। अब चीन परेशान इसलिए है क्योंकि आज का जो भारत है, आज का भारत साफ तौर से भारत चीन के इस जो चाल है इसके खिलाफ खड़ा हो गया और पूरे विश्व में चीन के खिलाफ, पूरे विश्व के कई देश चीन के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं और चीन को उसकी ही भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। तो चीन में जो वहाँ की मीडिया है, हालांकि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, चीन की मीडिया जो है वो उसके सरकार का मुखपत्र है। ग्लोबल टाइम्स जिसने यह संपादकीय छापी वह खुद वहाँ के सरकार का मुखपत्र है और वहाँ की सरकार जो चाहती, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो चाहती वो वही करता है। जाहिर सी बात है वहाँ की जनता जो नहीं चाहती है, लेकिन वहाँ का सरकार जो चाहता है वही चीन करता है और वहाँ की मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। और चीन दूसरे देशों की स्वतंत्रता की बात करता है, दरअसल चीन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र और दूसरे देशों की सीमा और यूनाइटेड नेशंस की क्या गरिमा है, क्या कानून है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। चीन लगातार ऐसे गंदे कारनामे करता रहता है जिसकी वजह से पूरा विश्व चीन से परेशान है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि भारत स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि अमेरिका अलग अलग समूहों को आपस में भिड़ाना चाहता है। दूतावास ने कहा कि चीन और भारत के पास किसी भी आपसी समस्या को सुलझाने के लिए विवेक है और इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है सबके सामने है। चीन लगातार बोलता है कि हम एक दूसरे देश की मैत्री व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन लगातार वो भारत में हस्तक्षेप कर रहा है, भारतीय सीमा का उल्लंघन कर रहा है, भारत और विश्व की नीतियों का उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ मंगलवार को बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। हमारे चैनल में इससे संबंधित तमाम वीडियो पड़े हैं, बेका डील जो है उससे संबंधित तमाम वीडियो पड़े हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि अमेरिका और भारत के बीच हुई इस डील को लेकर भी चीनी मीडिया में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने बेका डील को लेकर अलग से एक संपादकीय लेख छापा। इस लेख में कहा कि 2+2 वार्ता के बाद भारत और अमेरिका ने बेका डील की है। कुछ मीडिया संस्थानों विश्लेषकों को लगने लगा है कि अमेरिका भारत के बीच सैन्य साझेदारी अब नया आकार लेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बेका संबंध के माध्यम से अब भारत सैटेलाइट के माध्यम से अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकता है, अपनी सीमा की निगरानी कर सकता है। तो खैर बेका जो है अमेरिका और भारत के बीच जो ये डील है, यह भारत के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी है और यह काफ़ी अच्छा संदेश है कि भारत भविष्य में वैश्विक स्थिति काफ़ी मजबूत कर पाएगा और अपनी सरहद की सुरक्षा कर पाएगा। खैर चीन की जो परेशानी है साफ झलक रही है, चीन काफ़ी परेशान है और चीन की यह परेशानी आगे तक बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।